नमस्कार दोस्तों, देखिए महानगर टेलीफोन निगम, इसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तो सब लॉस में है, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और दिखाता हूँ आपको सब। कुल मिला के आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अगर नहीं आप लोग अब ऐसा करोगे तो इसको मैं पेड वाले में डाल दूंगा, फिर आप लोगों को 200 रुपये देना पड़ेगा। जिनको भी मेरे चैनल पे भागते हुए शेयरों को के नाम जानने हैं उनको फिर पैसा देना पड़ेगा। पैसा नहीं देना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, शेयर बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आ गई महानगर MTNL। अब देखिए ट्रेडिंग हो रही है, 3.5 अरब की ट्रेडिंग हो गई, वॉल्यूम आया है 8 करोड़ से ऊपर का, मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है। अब ये रेशियो यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये पी वगैरह, ये देखिए ऐसा है, दो चीज़ें मुख्य होती हैं मैं आपको बता दूँ। एक तो हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट नेटवर्थ, कितनी सेल हुई, कितना मुनाफा कमाया और कितनी कंपनी ने ग्रोथ की, कितना कैश बचा। और ये जो पीबीवी होते हैं ना, ये सबका काम ये होता है, ये जानना कि आप जो खरीदने जा रहे हो वो शेयर क्या अपने जो फेयर वैल्यू है उससे महंगा मिल रहा है या उससे सस्ता मिल रहा है, ये सिर्फ इसको जानने के लिए होती है। तो जब बड़े बड़े लोग FIDIs इस वैल्यू पे खरीद रहे हैं, धनाधन धनाधन 100-100% भगा रहे हैं, तो अब आपको क्या ज़रूरत है ये जानने की कि महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है। आप उनसे ज़्यादा तो हो नहीं समझदार, वो किंग है इस लाइन के। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इज़ एन इंडियन इंडिया बेस्ड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेस कंपनी। The company is provider of fixed line telecommunication service in the two metropolitan cities of Delhi and Mumbai. वही है अपना सब टेलीफोन वाले हैं, मोबाइल टेलीफोन वाले लग रहे हैं मुझे तो। सेगमेंट इंक्लूड बेस एंड अदर सर्विसेज एंड सेलुलर सर्विस। अब ये 1986 की कंपनी है, सुनील कुमार हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और प्रमोटर यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पे बढ़िया नहीं रहता, यहाँ देखते हैं प्रमोटर। पहले देखते हैं क्या हाई लो रहा है इसका। 4.5 रुपये लो था, 228 रुपये हाई था, 228। अब ये देखिए यहाँ पे प्रमोटर का अच्छा हिस्सा 56% माने रखता है। ये आप सालों में भी देख सकते हैं कि आप प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई घटाई। तो पहले 56.82 थी, 56.82, अभी 56.25 हो गई है, कुछ थोड़ी सी पिछले 1-2 साल से घटी है। म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जिसकी वजह से परसेंटेज लिख के नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं हर तिमाही में, वो हमेशा से ऐसे ही है। और ये IDIs करीब 14% के आसपास हैं, इनकी क्या हिस्सेदारी है, पहले ज़्यादा थी, अभी थोड़ी सी घटा दी है इन्होंने। FIIs की हिस्सेदारी एक तरीके से बढ़ी है फिर मार्च के बाद से, दिसंबर में इनका जो है पॉइंट बीच में घटाया फिर बढ़ाया। ये पिछले सालों में भी इसी तरीके की इनकी चाल चल रही है। और रिटेलर जो हैं, पहले 28 थे, फिर ये बढ़ रहे हैं, रिटेलरों ने थोड़ा सा रिटेलर्स बढ़े हैं। तो म्यूचुअल फंड का बहुत छोटा हिस्सा, DIS की अच्छी खासी हिस्सेदारी, DIS को काफ़ी भरोसा है इस कंपनी पे, और अब ये भरोसा तोड़ने वाली नहीं है कंपनी, अब इस भरोसे पे खरा उतरने की तैयारी कर रहा है MTNL। डिलीवरी पे भी आ जाते हैं,
1,99,00,000 की डिलीवरी आई है, कितने परसेंट? अभी परसेंटेज तो कम चल रहा है, 20 दिखा रहा है, 20, 28, 27, लेकिन आज की डिलीवरी बड़ी आई होगी क्योंकि तो आज बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, बड़ी ट्रेड दिख रही है, ट्रेडिंग बड़ी मात्रा में दिख रही है। यहाँ क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि इनके पास फंडामेंटल के, यहाँ इनके पास ज़्यादा डाटा नहीं है। चलो, सब कर्ज में डूबा पड़ा है, नेट प्रॉफिट भी कुछ नहीं है, रेवेन्यू भी घट रहा ही है, सब तो खस्ता हाल कंपनी दिख रही है। मनी कंट्रोल में कुछ शायद सही कुछ पता लगे क्या है। 98% पास, ट्रैप, मोमेंटम ट्रैप लिखा है, वीक, फंडामेंटल वीक बता रहा है। वही है, 30% के आसपास की ये डिलीवरी दिखा रहा है, वेरी बुलिश। इसका एवरेज प्राइस बता रहा है 40 रुपये के आसपास खरीदने के लिए, 40 में मिल भी पाता है कि नहीं? एक हफ्ते में 27% पैसे को दौड़ाया है इसने, और 3 महीने में 65% पैसा बढ़ा है इसमें। इसमें 50-50 है, कुछ बाय कह रहे हैं, कुछ सेल कह रहे हैं। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, अपने चार्ट पे आते हैं फटाफट। एक तो ये चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट है ये, देखिए ऊपर ही निकल रहा है। एक जो है राउंडिंग बैट बॉटम राउंडिंग पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट किया है इसने, आज ब्रेकआउट कर दिया है जिसका, वॉल्यूम के साथ, हैवी वॉल्यूम के साथ, नीचे वॉल्यूम भी हैवी आया है। ये आपका मंथली चार्ट है और ये डेली चार्ट हो गया। अब सबसे खास अपना चार्ट देखते हैं, इसमें आप देखिए कमाल की चीज़ें दिख रही हैं। डाइवर्जन देखिए कितने पावरफुल डाइवर्जन्स हैं, एक दो तीन, तीन डाइवर्जन्स दिख रहे हैं मंथली पे, और ये ऊपर ही जाने वाला है और तेजी से जाने की तैयारी में है। देख लें इसका वो क्या कह रहा है, RSI, आज का वॉल्यूम 8 करोड़ का, कल का 6 करोड़ का, उससे पहले 4 करोड़। थोड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा निकल गया, ये निकल गया तो निकल गया करीब, ये कह सकते हैं थोड़ा सा 30 रुपये से, मतलब 10 रुपये करीब निकल गया है, कोई बात नहीं। खैर ये कुछ निगेटिव डाइवर्जेंस बने हैं इसमें, और 23 का वो आया है इसमें। ADX भी ठीक है, RSI अभी मजबूत नहीं है, हो जाएगा। नहीं, सब सही, सब जगह पे ये निकलने वाला है, ये डाइवर्जन लग रहा है काम नहीं करेगा, आगे जाके कभी करे तो करे। RSI 70+ और मनी फ्लो 80+, ये निकलने वाला यहीं से रॉकेट बन जाएगा। हो सकता है एक ऊपर जाके थोड़ा सा बैक ले इस, यहाँ पे नया ये जो पुराना रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट का काम करे, इस रेंज वेंज में कहीं आए। यहाँ पे ये रेंज हो रही है इसकी, बाकी तो फिर और बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है इसमें देखते हैं। वैसे तो इसकी यही है एरिया, तो इसका ये बन रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदी बेची हुई है, ये जो गुलाबी वाली वॉल्यूम प्रोफाइल है इसका सबसे हाई है। हो सकता है इस रेट तक आ जाए तो आ जाए, 35 रुपये तक का आए तो आए, चांसेस कम है। अभी इसमें लंबी चाल आने वाली है भाई, लंबी चाल 40-45 का है ना, तो 45 से 90 तो बहुत आसानी से होगा, ये पहुंच सकता है 450 रुपये तक भी, लेकिन लंबे समय में।